हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 17th एंड 18th जून 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट ऑटिस्टिक प्राइड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 18 जून को, ताकि लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके कि जो ऑटिस्टिक पीपल है वो थोड़े अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन उनको आप एज अ पेशेंट नहीं देख सकते, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप इस तरह से नहीं सोच सकते हो। अब ये ऑटिज्म क्या होता है, पहले तो ये पता होना जरूरी है, जो हम जिन ऑटिस्टिक पीपल की बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। देखिए, ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल, मतलब आपके ब्रेन से रिलेटेड एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिससे एक पर्सन कैसे इंटरेक्ट करेगा दूसरे पर्सन के साथ, कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे लर्न करेगा चीजों को, कैसे बिहेव करेगा, वो थोड़ा अलग रहता है, उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, नाउ ऑटिस्टिक प्राइड डे, इस डे का थीम है टेकिंग द मास्क ऑफ। अब ना दो हमारे पास ऐसे डेज हैं जो ऑटिज्म से रिलेटेड हैं, एक तो हो गया आपका ऑटिस्टिक प्राइड डे जो हमने अभी कवर किया, एक आता है ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो कि 2 अप्रैल को आता है। डेट भी अलग है, थीम भी अलग है, तो बिल्कुल अलग अलग डेज है। ऑटिस्टिक प्राइड डे विद थीम विद डेट आपको याद रखना है, ऑटिज्म क्या होता है आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा ऑटिज्म अवेयरनेस डे के बारे में भी जान लेते हैं, पता होना चाहिए, जरूरी है ना। सो ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल इस डे का थीम रहा मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव्स। अब ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इस चीज को हाईलाइट किया जा सके कि क्या जरूरत है जो ऑटिज्म से रिलेटेड या ऑटिज्म या ऑटिस्टिक पीपल हैं, उनकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सके, क्या जरूरत है उनकी लाइफ को बेहतर बनाने की। बेहतर इसलिए बनाया जाए ताकि वो एक फुल खुश, एक खुशनुमा, एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके, जो कि सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल का राइट भी है टू लीड अ गुड लाइफ, अ हेल्दी लाइफ, अ क्वालिटी लाइफ, राइट। तो बस यही है कि अगर हम थोड़ा उन्हें इक्वल फील करवाते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, खुश रहेंगे, अदरवाइज डिप्रेस्ड रहेंगे, ये चीज है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट हमारा आता है, अब कोई डे के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्फ्रेंस है 2 डेज इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। IORA क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अच्छा, ये जो IORA है ना, इसके बारे में हम लास्ट पेज पे पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस का इश्यू था तो वो मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया और IORA क्रूज टूरिज्म के ऊपर, कहां पे, न्यू दिल्ली में, इंडिया में हुई है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इसके अंदर ऐसे इनिशिएटिव्स की बात की गई है जो कि क्रूज, समझते हैं आप, बहुत बड़ा जहाज जिसमें हर एक चीज ही अंदर होती है ना, तो क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। किसमें, जो IORA के मेंबर कंट्रीज है सिर्फ उसके अंदर, है ना। तो कौन कौन सी है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, सेशल्स है, और भी है जिनके बारे में हम, मैंने आपको पहले बता दिया कि हम लास्ट पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चले, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का थर्ड पॉइंट है दैट NCERT संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। ये एक मोबाइल ऐप है जो लॉन्च की गई है NCERT के द्वारा। क्या है NCERT, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो NCERT के द्वारा NCERT संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज एक ऐप, एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। संकलन माने कंपाइलेशन है क्रिमिनल लॉज का। ये एक ऐसी ऐप है जो एक्ट करती है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जिसमें आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉज एट वन प्लेस। जितने भी क्रिमिनल लॉज है सारे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। ये कंपाइलेशन है 3 चीजों की, किस किस की, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय सुरक्षा अभियान, इन तीनों की कंपाइलेशन है। इससे पहले आप देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता है ना, इसने रिप्लेस किया है इंडियन पेनल कोड को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस किया है CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को, एंड यहाँ पे जो साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अभियान है, इसने रिप्लेस किया है IEA इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ये तीनों ही, अब ये थे पुराने वाले, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पेनल कोड, इन तीनों को रिप्लेस करके ये 3 नए आए हैं जो कि इम्प्लीमेंट होंगे 1 जुलाई 2024 से। तो ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉज के गाइड है ना, ये सारी कंपाइलेशन आपको इस ऐप में मिल जाएगी। एंड NCERT मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट अपना देखिए,
ओके सो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद. ये इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, ठीक है ना. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद को डेजिग्नेट किया गया है एज अ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च. ट्रेडिशनल मेडिसिन पे रिसर्च करने के लिए ये इंस्टीट्यूट कोलैबोरेट करेगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगले 4 सालों के लिए. तीसरा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कोलैबोरेट कर रहा है WHO के साथ. इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करें, ग्लोबल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं. तो अगर ये तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट है जो WHO के साथ कोलैबोरेट कर रहा है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च, तो बाकी के दो कौन है वो भी हम जानेंगे. लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है. सो बाकी के दो इंस्टीट्यूट हैं द इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर गुजरात, द मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, ठीक है. चलिए सेकेंड पेज भी हो गया कंप्लीट. अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे. इसी के साथ आप सब चाहें तो GS हैंडरिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे. हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे. नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर. आज का फिफ्थ पॉइंट है दैट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं. सिरिल रामाफोसा बने हैं, री इलेक्ट हुए हैं अपनी पोस्ट पे. कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से. अब यहाँ पे अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है जो अफ्रीका के बिल्कुल सदर्न पार्ट में है. कैपिटल्स की हम बात करते हैं तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल तीनों अलग अलग है. एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करें प्रिटोरिया है, लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन है एंड जुडिशियल कैपिटल है बोम फॉन्टेन. अब आपको एक बार लोकेट करना है कि एक्चुअल में साउथ अफ्रीका कहाँ पे है अफ्रीका में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. गांधी जी का जिक्र होता है तो वहीं से स्टार्ट होता है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप जीती है किसने? दिव्या देशमुख, जो कि इंडियन है. किसे हरा के? बुल्गेरिया की बेलोस्लावा क्रास्टेवा को हरा के. इतना ही याद रखना है, वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप जीती है दिव्या देशमुख ने, जो कि इंडियन है. आगे चले सेवंथ पॉइंट अपना देखें तो एक डे है जो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, विच इज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट. 17 जून को सेलिब्रेट किया गया. डेजर्टिफिकेशन माने सूखा सूखा ना हो जाए, भूखमरी, प्यास, पानी की कमी, सूखा सूखा, वो सब चीजें है ना, उन प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 17 जून, हाईलाइटिंग द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड रिकवरिंग फ्रॉम ड्रॉट. कोई अकाल पड़ता है, कहीं हर जगह सूखा सूखा हो रहा है, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं, राइट. उसके ऊपर यहाँ पे बातचीत की जाएगी. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस डे का थीम क्या रहा. थीम रहा फॉर 2024 यूनाइटेड फॉर लैंड, आर लेगेसी, आर फ्यूचर. एज इट इज याद रखना है, कुछ समझने वाली बात नहीं है, है ना. सो मैंने आपको कहा था कि IORA के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. ये है हमारा IORA के बारे में बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके टोटल 23 स्टेट्स जो है वो मेंबर है, मतलब 23 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं. मेनली जो इंडियन ओशन के आसपास आती हैं, इंडियन ओशन को टच करती हैं, वो कंट्रीज इसके मेंबर हैं. IORA के हेडक्वार्टर्स है एबेन मॉरिशियस में. फॉर्मेशन हुई थी 6 मार्च 1997 को. चेयरमैनशिप श्रीलंका के पास है, वाइस चेयरमैनशिप इंडिया के पास है. मेन एम इसका क्या है? टू प्रमोट रीजनल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट अमंग मेंबर कंट्रीज. जो मेंबर नेशंस है ना इसके, उनके बीच में कैसे रीजनल लेवल पे कॉपरेशन ला सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत की जाती है. एंड मोस्ट रिसेंट मेंबर, मतलब 23rd मेंबर कौन बना है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का? बना है फ्रांस, ठीक है. चलिए इसी के साथ थर्ड पेज हो गया कंप्लीट. वेट, अभी एक पेज और पढ़ना है करंट अफेयर्स का, है ना. तो थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है. इतने दिनों से करंट अफेयर्स नहीं लाई थी तो कमेंट्स ऐसे आए थे, मैम आपने बंद कर दिया, क्या हो गया, अब कुछ ना कुछ इशू चला रहता है, क्या बताऊं आपको, है ना. लेकिन ये है कि अब वो सारे मैंने कहा आपको कि एक दो दिन में कवर करवाऊंगी तो करवाऊंगी. जल्दी से एक बार हम ट्रैक पे आ जाए, फिर बायो के 3-4 छोटे छोटे यूनिट्स बचते हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है. चलिए फिलहाल सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर. आज का 8th पॉइंट है दैट हेमिस द शैचू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे. तो ये हेमिस मॉनेस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं. हेमिस गोंपा बोलो स्लैश हेमिस मॉनेस्ट्री बोलो, कहाँ पे है ये? लद्दाख में है ना.
तो ये फेस्टिवल 16 और 17 जून को सेलिब्रेट किया गया। सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ये किया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु पद्म संभव, जिन्हें के गुरु रिनपोचे भी वहां पे कहा जाता है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तांत्रिक बुद्धिज्म, वज्रयान, है ना, हम पढ़ते हैं वज्रयान इन द हिमालयन किंगडम। तो आपने याद रखना है हेमिस तसेचू फेस्टिवल, हेमिस कोम्पा का या हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख में है, वहां पे सेलिब्रेट किया गया। किसके बर्थडे पे? गुरु पद्म संभव जी के बर्थडे पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेमिस कोम्पा जो है सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है लद्दाख की, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट अगर हम देखें, देखिए ये पॉइंट ना मैंने आपको ऑलरेडी एक दो दिन पहले पढ़ा दिया था ये नाइन्थ पॉइंट, बट मैंने क्यों फिर से लिखा है चलिए देखते हैं। ग्लोबल विंड डे हर साल 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, पढ़ा हमने, विंड एनर्जी काउंसिल पढ़ा हमने कौन सेलिब्रेट करता है। फिलहाल हम देख लेते हैं नेशनल लेवल पे कौन सी एजेंसी से सेलिब्रेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इंडियन लेवल पे ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसका इस साल का थीम क्या रहा? देखिए जो सेंट्रल थीम है ना ये स्किप हो गया था उस वीडियो में जो हमने एक दिन पहले पढ़ा था, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है। इस साल का थीम रहा पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब देखिए हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। सो आज का लास्ट पॉइंट है ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय। ये जो ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम है लॉन्च किया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। ई फ्लोज क्या है? एनवायरमेंटल फ्लोज। क्या एम है इस मॉनिटरिंग सिस्टम का? टू इकोलॉजिकली मॉनिटर द गंगा रिवर क्वालिटी। अच्छा, गंगा नदी है, यमुना नदी है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी नदियों को मतलब पूरा गंगा रिवर सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, रिवर क्वालिटी खराब ना हो उसके लिए और पैरामीटर्स को चेक करने के लिए ये मॉनिटरिंग सिस्टम जल शक्ति मिनिस्ट्री लेकर आई है। अब ये जो सिस्टम है ना ओरिजिनली ये डेवलप किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा, जो कि एक ब्रांच है, एक आर्म है जल शक्ति मिनिस्ट्री की। डेवलप किसने किया? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने। लॉन्च किसकी प्रेजेंस में किया गया? जो जल शक्ति मिनिस्टर है सीआर पाटिल जी की प्रेजेंस में। क्या मॉनिटर किया जाएगा इसमें? देखिए गंगा नदी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, नमामि गंगे हम पढ़ते हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी बहुत सारे आएंगे भी, तो उनकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हो, मॉनिटरिंग अच्छे से हो, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, वो सब कुछ देखना ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम का काम है। गंगा नदी, इससे रिलेटेड ट्रिब्यूटरीज, इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स, हर एक चीज को मॉनिटर करना सारा काम ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम के अंडर आता है, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। किसके पास है ये मिनिस्ट्री? सीआर पाटिल जी के पास है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मैं चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।